नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 30,000 के पार। बिहार में कोविड-19 की जद में बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 1502 नए कोरोना मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 30,066 पर पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना में पाए गए। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 19,876 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कोविड-19 की वजह से 208 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 के इस माहौल में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मिला अहम अधिकार। कोविड-19 के वर्तमान हालात में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राजधानी पटना के अलावा सभी जिलों के अंदर प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज करने का फैसला सुनाया गया है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि वो जिलों में निजी अस्पतालों के अंदर कोविड-19 का इलाज शुरू करवाएं। इतना ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को प्राइवेट अस्पतालों का एक रेट तय करने की छूट भी दे दी गई है, ताकि कोविड-19 के नाम पर मनमानी फीस की वसूली नहीं की जा सके। बिहार के द माउंटेन मैन नाम से मशहूर दशरथ मांझी का परिवार है मुसीबत में। बिहार के द माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी का परिवार कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन में परेशानी का सामना कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दशरथ मांझी का परिवार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कर्ज में डूब चुका है, जिसके बाद अब पूरे परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जिसके तहत दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को वृद्धा पेंशन और बेटी को विधवा पेंशन का लाभ मिलता था, जो अब बंद कर दिया गया है। परिवार ने बताया कि पिता पर फिल्म बनने वाले बॉलीवुड फिल्म निर्देशकों ने फिल्म के 2% रॉयल्टी मिलने समेत कई वादे किए थे, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा के बारे में। नीतू चंद्रा मुख्य रूप से एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और थिएटर आर्टिस्ट है। इतना ही नहीं, नीतू चंद्रा क्लासिकल डांसर और खेल में भी काफी ज्यादा रुचि रखती थी। उन्होंने अपने खेल की रुचि को ध्यान में रखते हुए NDA और ताइक्वांडो के साथ एसोसिएट करके बास्केटबॉल का प्रमोशन देश भर में किया था। नीतू चंद्रा का जन्म मुख्य रूप से 20 जून 1984 को राजधानी पटना में हुआ था। नीतू चंद्रा ने अपने एक्टिंग करियर में कई सारे टीवी शोज में काम किया है, जिसमें बेपनाह प्यार, लेडी स्पेशल, अम्मा, आधे अधूरे जैसे कई सीरियल का नाम शामिल है। नीतू चंद्रा का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम चंपारण टॉकीज है, जिसमें फिल्म मिथिला मखाना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। पटना गया डोबी के बीच बनाई जाएगी 4 लेन सड़क। पटना गया डोबी 4 लेन के निर्माण कार्य की शुरुआत जल्दी हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके 2 पैकेज के लिए कार्यदशा जारी कर दी है, जिसकी जानकारी देते हुए नंद किशोर यादव ने ट्वीट करके बताया है कि इस योजना के तहत 88 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी और 930 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस 4 लेन को बनाने के लिए 24 महीने का वक्त दिया गया है। नंद किशोर यादव ने बताया कि 2 4 लेन की लंबाई 44 किलोमीटर होगी और जिसके निर्माण में 464 करोड़ का खर्च आएगा। इसी तरह पैकेज 3 के 4 लेन की लंबाई भी 44 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण में 464 करोड़ का ही खर्च आएगा। बिहार विधान चुनाव को टालने की मांग के बीच राजद ने शुरू की तैयारी। कोविड-19 के इस माहौल में विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग से चुनाव को स्थगित करवाने की मांग करते देखे गए हैं। वहीं इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव को लेकर पार्टी संगठन की समीक्षा करने वाले हैं। इस दौरान वो पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, जिला प्रवक्ता, जिला युवा राजद अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे और चुनाव की तैयारियों के बारे में सभी अधिकारियों से रूबरू होंगे। राजद नेता राजकिशोर यादव समेत भाजपा MLC के जान गंवाने पर तेजस्वी यादव ने पूछे सवाल। बिहार में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच बीते दिन पटना एम्स में बुधवार को दानापुर के राजद नेता सह नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव के इलाज के दौरान जान जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कोविड-19 से राजद नेता राजकिशोर यादव और भाजपा MLC के जान गंवाने पर सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि क्या अभी भी विधानसभा चुनाव सूबे में करवाया जाएगा। कोविड-19 के बेकाबू हो रहे हालात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया अहम फैसला। बिहार में कोविड-19 के बेकाबू हो रहे हालात को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार के सभी अनुमंडल अस्पतालों में कोविड-19 जांच करवाने का फैसला सुनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जल्द ही इन अस्पतालों में कोविड-19 मरीज के इलाज की व्यवस्था करने में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। इसके लिए संबंधित चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिसकी जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के इलाज पर ध्यान केंद्र करने की कही बात।
कोविड 19 ने अब अपनी जद में आम नागरिकों को से लेकर सुरक्षा कर्मी के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी ले लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की मांग पर पुलिस हेडक्वार्टर में एक बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस बैठक में डीजीपी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, एडीजी अमित कुमार समेत कई अधिकारियों ने साथ मिलकर पुलिस कर्मियों की चपेट में आने के बाद स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं हो पाने की समस्या पर चर्चा की है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवा मुस्तैद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पटना के सरकारी अस्पतालों में पुलिस कर्मियों को एडमिट कराने के लिए आईजी मुख्यालय के संपर्क करने को कहा गया। बिहार के 5 सांसदों ने ली राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ। बिहार में निर्विरोध चुने गए 5 राज्यसभा सदस्य ने शपथ ग्रहण कर लिया है। कोविड 19 के कारण मार्च में टाला गया नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण बीते दिन राज्यसभा में करवाया गया, जिसमें बिहार में 5 सांसद ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। जिन 5 सांसदों ने शपथ ग्रहण किया है उसमें जदयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का नाम शामिल है। बिहार में बढ़ते कोविड 19 संक्रमण के बीच डाकघरों में मिल रहा है मास्क। कोविड 19 के इस माहौल में मास्क बचाव के लिए बेहद ही कारगर माना गया है। वहीं डाकघरों में कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू कर दी गई है। पटना जीपीओ में मास्क काढ़ा और सैनिटाइजर का काउंटर खोला गया है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। बांकीपुर लोहियानगर में मास्क समेत काढ़ा और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, 51 डाकघरों में भी इसकी सेवा गुरुवार से शुरू करवा दी जाएगी, जिसके तहत मास्क 25 से 250 तक का मिलेगा, वहीं काढ़ा 50 से 299 के बीच में दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने 3 अगस्त से सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए साथ ही बाढ़ की वजह से उत्पन्न हुई परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार को निशाने पर लेने वाली है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर 3 अगस्त से विधानसभा सत्र के शुरुआत होते ही सरकार को निशाने पर लेने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 अगस्त से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। इस सत्र के दौरान जनता की परेशानियों को लेकर वो सरकार से सवाल करेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे यह भी कहा है कि राजद और विपक्ष मिलकर बिहार की मजबूर जनता की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगी। पटना की बेघर महिला और परिवार को सोनू सूद ने दिया छत। कुछ दिनों पहले पटना के फुटपाथ पर पड़ी महिला और उसके बच्चों की मदद के लिए सोनू सूद से गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद सोनू सूद ने इस परिवार को घर मुहैया करवाने का वादा किया था। इसी क्रम में अपने वादे अनुसार फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने महिला समेत उनके पूरे परिवार को छत मुहैया करवाई है, साथ ही खाने पीने का सारा इंतजाम भी कर दिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पटना की महिला और बच्चों की तस्वीर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही थी, जिसके बाद सोनू सूद के पास इस तस्वीर के पहुंचते उन्होंने मदद का आश्वासन दिया था। जदयू नेताओं ने सभी लोगों से जाति धर्म के ऊपर उठकर वोट करने की मांग। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तौर पर अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में जदयू के विधानसभा वर्चुअल सम्मेलन के तहत बुधवार को कटिहार जिले के कई क्षेत्र के पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ता के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से वर्चुअल सभा का आयोजन करवाया गया, जहां पर सभी लोगों से आह्वान किया गया कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करिए। नेताओं ने कहा कि विकास को तरजीह नहीं दीजिएगा तो कोई नेता काम नहीं करना चाहेगा। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में न्याय के साथ विकास की मिसाल पेश की है। मौसम विभाग में बक्सर समेत 6 जिलों में बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और भभुआ में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार भी जताए हैं। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और इसमें उमस भरी गर्मी पड़ने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में प्रेशर और फिर पूर्वी भारत में हवा के निम्न दबाव के कारण देश के कई भाग में मानसून सक्रिय है। इसकी वजह से ही बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की पूरे आसार है। पटना हाईकोर्ट ने की 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक अवकाश की घोषणा। कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने आंशिक तौर पर अवकाश की घोषणा कर दी है। पटना हाईकोर्ट में आगामी 27 जुलाई से 6 अगस्त तक आंशिक तौर पर छुट्टी रहेगी, जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन समेत कई अधिकारियों ने भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर एनके सिंह को सौंप दी है। इसके पहले कोविड 19 के बीच पटना हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रहा था। हालांकि अब मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए 27 जुलाई से 6 अगस्त छुट्टी की घोषणा एक बार फिर से कर दी गई है।
1 अगस्त से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट का होगा परिचालन। अगले महीने की 1 तारीख से एयर इंडिया की 2 नई फ्लाइट का परिचालन शुरू होने वाला है, जिसके तहत राजधानी पटना से यह 2 नई फ्लाइटें हैं मंगलवार और शनिवार को उड़ान भरेंगी। मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयर इंडिया प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर की 1-1 फ्लाइट रोजाना ऑपरेट फिलहाल करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, पटना से शुरू होने वाली यह 2 फ्लाइटें बेंगलुरु आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, जिसके बाद यह दोनों फ्लाइटें पटना से बेंगलुरु ऑपरेट होंगी। फिलहाल पटना से बेंगलुरु 3 फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। पीएमसीएच में 100 बेड का कोविड वार्ड बनकर हुआ तैयार। पीएमसीएच में कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए 100 बेड का कोविड 19 केयर सेंटर स्थापित कर दिया गया है। पीएमसीएच में केयर सेंटर लगभग पूरी तरह से तैयार हो गया है। बीती रात से यहां पर मरीज भी भर्ती किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह अस्पताल राजेंद्र सर्जिकल वार्ड के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इसके बगल में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही पीएमसीएच में बीते दिन से भर्ती हुए 10 मरीज को वार्ड में पूरी व्यवस्था दी गई है। कई जगह पर छिटपुट काम चल रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य ने अस्पताल में पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है। कोविड 19 के साथ जारी जद्दोजहद में बिहार के साथ है केंद्र सरकार। बिहार में कोविड 19 के मामलों में बेलगाम बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसे माहौल में बिहार की हर संभव मदद करने की बात कही है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की टीम के बिहार दौरे से वापस लौटने के बाद केंद्र की तरफ से इस पर अमल भी किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसकी पुष्टि की और कहा है कि बिहार को 2500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में 500 कंसंट्रेटर की पहली खेप 1-2 दिन में डिस्पैच कर दी जाएगी। अब अपने एक और अनोखे अंदाज में नजर आए तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव आए दिन अपने नए अंदाज में सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का एक नया लुक सामने आया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो डाला है, जिसमें वो बकायदा फिल्मी स्टाइल में कमरे में एंट्री कर रहे हैं और पीछे से डायलॉग चल रहा है कि मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। इसके बाद तेज प्रताप यादव पोज देते हैं और फिर पीछे गाना बजने लगता है। सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी को दी 2 टूक नसीहत। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक पछलग्गू जैसे हालत की चिंता करनी चाहिए। पहले महादलित समाज के एक प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी और अब अति पिछड़ा समाज के कैलाश पाल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी बताए कि पिछले चुनाव में अति पिछड़ा समाज में एक भी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस ने बिहार में आरक्षण लागू करने पर पूरी सरकार के फैसले का विरोध किया था, जबकि कालीन सरकार में शामिल जनसंघ आरक्षण के समर्थन में था। तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावितों को खिलाने के बहाने सरकार को लिया आड़े हाथ। बिहार में इन दिनों कोविड 19 और बाढ़ दोनों ने अपने अपने स्तर पर सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसके कारण लाखों परिवार हर साल की भांति इस साल भी बेघर हो गए हैं। उन्हें जीने के लिए सड़कों पर आना पड़ गया है। जहां भी इन लोगों को सूखी जमीन मिलती है, वहां पर ये लोग बैठकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने बीते दिन दरभंगा पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों के बीच पूरी सब्जी का वितरण किया। खुद अपने हाथों से उनकी थाली में परोसा भी है और जमकर सरकार पर आरोप लगाए हैं और लिखा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सभी अपने घरों में दुबके बैठे हैं। लोग कोविड 19 और बाढ़ से परेशान चल रहे हैं, मगर सरकार है तस से मस होने का नाम नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया को रहना पड़ सकता है क्वारंटाइन में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर टीम इंडिया और सहायक स्टाफ इस साल दिसंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो 14 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। कोविड 19 के कारण दुनिया भर में क्रिकेट गतिविधियां रुकी हुई हैं। इसी बीच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच दर्शकों के बिना टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसके बाद अब दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि सीए ने इस बात की पुष्टि की है कि खिलाड़ी क्वारंटाइन के दौरान होटल के कमरे में ही बंद नहीं रहेंगे, बल्कि वो वहां रहकर ट्रेनिंग की इजाजत दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने शेयर की एक इमोशनल वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर अभिनेता की यादों को साझा करती रहती हैं। उन्होंने अब अपने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद सुशांत के फैंस एक बार फिर से इमोशनल होते दिखाई दिए हैं। श्वेता का यह नया वीडियो है, जिसमें वो अपने फॉरएवर स्टार के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत और उनके पालतू कुत्ते के साथ बिताए खुशनुमा पल को साझा किया गया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के सभी शौक को दर्शाया गया है, जिसमें संगीत बजाना, तारे देखना, स्केचिंग और डांस करना शामिल है।
फेसबुक पर अब वीडियो स्टोरीज और म्यूजिक स्टिकर में लगा सकेंगे हजारों गाने। फेसबुक हमेशा अपने यूजर के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। इसी क्रम में अब फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक का इस्तेमाल करने के लिए इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के साथ समझौता किया है, जिसके बाद अब फेसबुक इंस्टाग्राम के यूजर IPRS ने इस संबंधित हजारों गीत संगीत और दोनों का इस्तेमाल वीडियो स्टोर या म्यूजिक स्टिकर जैसे एक्टिविटी के रूप में कर सकेंगे, जिसकी पुष्टि फेसबुक की तरफ से की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अजय कुमार, लाली कुमारी, हरे कृष्णा कुमार, गोलू कुमार, बबीता यादव, पूजा कुमारी, संजय कुमार, मिथिलेश कुमार, कौशल किशोर, पिंटू कुमार, नीतीश कुमार, मनीष कुमार, शिव कुमार, सोनू यादव, संतोष मेहता, दिवाकर उपाध्याय, मनीष कुमार तिवारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के इस माहौल में बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थान को खोलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।